नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए वर्सेस इंडिया की। लोग कह रहे हैं कि भारत विरुद्ध हिंदुस्तान है। दरअसल आज बेंगलुरु में विपक्षी मोर्चे की बड़ी बैठक हुई। इसमें 26 पार्टियां शामिल थी। इस विपक्षी गठबंधन का नाम वैसे तो यूपीए ही रह सकता था, लेकिन आज इसका नया नाम घोषित कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया है INDIA, इंडिया। जी हाँ, आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस इसका नाम है। यूपीए के इस नए नाम इंडिया के पीछे कई कारण हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने धड़ाधड़ ट्वीट किए हैं चक दे इंडिया और ये कहा है कि ये विपक्ष का बड़ा जोरदार दांव है। अब चुनाव आने तक बार बार इंडिया नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत रहेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता था। अब समझा जा रहा है कि जो नया मोमेंटम होगा उसमें मोदी और शाह की जोड़ी के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए काफी सोच समझ कर यह नाम चुना गया है। और दूसरा, जो नामकरण किया गया है इंडिया, तो पहली बात तो जो है, गठबंधन इस देश की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। यदि हम स्वतंत्रता के पहले जाएं तो 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तब भी गठबंधन की सरकार बनी थी। उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ देश, तो 1989 में पहली बार सरकार बनी गठबंधन की, और उसके बाद फिर अटल जी, विश्वनाथ प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा था, और उसके बाद फिर अटल जी के नेतृत्व में बनी। तो गठबंधनों का इतिहास हमारे इसमें रहा है। अभी तक 9-8 गठबंधनों की सरकार हो चुकी है, लेकिन एकमात्र यदि 2014 को छोड़ दिया जाए तो समस्त गठबंधनों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, जो 2014 में और 2019 में मोदी जी को, के बीजेपी को मिला था। तो गठबंधन समय की आवश्यकता रही है। और आज इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 2014 में भाजपा को 283 सीटें मिली थी और 2019 में 303 मिली। दोनों बार उसको मेजॉरिटी, उसकी सीटों में वृद्धि हुई। और 2014 में मात्र 14 सहयोगी थे भाजपा के साथ, तो आज 38 लोगों को सहयोग लेने की बात क्यों की जा रही है? तो गठबंधन का मतलब कहीं ना कहीं कि कब क्यों पैदा हुआ, तो उसका जो सबसे तुरंत कारण जो पैदा हुआ है, मुझे जो लगता है, जो पटना बैठे हुए पिछले समय विपक्षी दलों के 16 दल थे उसमें करीब, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा को चिंता हुई। और वे चिंता पूर्व में जो चिंता भाजपा के हाईकमांड के पास थी, जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए, वो बहुत विपरीत आए और अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब हार होना अलग बात थी, लेकिन कर्नाटक में बुरी हार हुई। और उसके बाद से जो 3 प्रदेशों में भी चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं दिसंबर में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें से कम 2 प्रदेशों में भाजपा की हालत बड़ी पतली बताई जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और हाईकमांड के नजर में ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम 2024 का चुनाव कैसे पार करें। और इस दृष्टि से उस यूपीए का जो गठबंधन जो बन रहा था बिहार में, जो पहली बैठक हुई थी, उसको कहीं ना कहीं एक नरेशन जो क्रिएट हो रहा था देश में, उस नरेशन को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए मोदी जी ने 38 लोगों का गठबंधन, जो आज एनडीए की बैठक हो रही है, वो बन रहा है। यह भी आज की जो तारीख है, मैं सोचता हूँ देश के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट तारीख होगी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों पक्ष एक ही दिन अपने गठबंधन बनाने के लिए बैठे हों। यह भी बड़ी यूनिक बात है और इससे इस चीज की इम्पोर्टेंस, महत्व को समझा जा सकता है कि गठबंधन की आवश्यकता, बल्कि आवश्यकता से ज्यादा मैं वर्ड यूज करूंगा अनिवार्यता,
आज की राजनीति में कितनी महत्व है, जहां मोदी जी ने कहा था राज्यसभा में बजट सेशन में कि एक अकेला सबको भारी, और उस 6 महीने के अंदर यदि ये स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो गठबंधन का अपना महत्व तो है। अब बात दूसरी मैं करता हूं, जो इंडिया शब्द रखा है। देखिए इंडिया ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटम और इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका नाम है। अब नाम देखिए हमारे देश में क्या है, इस समय जो नामकरण और नाम परिवर्तन ये दोनों बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ समय भोपाल का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति, रानी कमलापति कर दिया गया था। रानी कमलापति का नाम इसलिए किया गया था कि एक समय भोपाल जो था वहां पे 1800-1600 ईस्वी में वहां पे गोंड राजा शासन करते थे, और 1800 ईस्वी में जो गोंड राजा थे उनकी धर्मपत्नी थी कमलावती जी, और इसलिए उनके नाम से रखा गया कि शायद आदिवासी वोट जो इस समय जिस पर सब पार्टी का जोर है कुछ उस पर कुछ उनका प्रभाव मिले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नाम रख देने से ही कोई उसका प्रभाव हो जाता हो या वोटों में प्रभावित हो जाता, ये लगभग लगभग बिल्कुल असंभव सी बात है, और इसलिए नाम के प्रोसेस चलती है। नाम की यदि बात हम करें तो हमारे प्रदेश में शैतान सिंह जी भोपाल में आप जानते हैं निगम के अध्यक्ष, दो बार सूरज ने बनाया, अपने नरसिंहपुर के विधायक जो है उनका भी नाम इसी तरह का था, अपने भूल रहा हूँ, लेकिन वो दो बार वो जीत के आए, जालम सिंह। अब जालम होने से वो जनता के